मजीद फर्दर ये है कि अभी हम थोड़ा सा इसको लॉग गेट विंडो को देखेंगे। लॉग गेट विंडो में अभी ये देखें हमारे पास ये बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अगर हम फर्दर चेक करना चाहेंगे हमारी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है और सॉरी हमारे प्रोग्राम में कहाँ पे कोई फॉल्ट है या नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो हमारी प्रोसेसिंग फाइल है वो जावा फाइल है। जावा फाइल में हम आ जाए ऑन क्रिएट में आ जाए, जहां पे हमने एक लॉग क्लास है जावा की, लॉग डॉट वार्निंग वार्निंग है इसमें ये फर्दर अगर हम देखें तो ये हमें शो कर रहा है कि एपीआई लेवल इसका 1 है मिनिमम एपीआई लेवल, और इसमें जो है वार्निंग का लॉग मैसेज होता है और एक टैग होता है और एक मैसेज होता है। अगर फर्दर हम देखेंगे कि टैग और ये इसको क्या होता है, इसके बाद हम डब्ल्यू लिखेंगे कंट्रोल के साथ अगर हम स्पेस को करेंगे तो ये हमारे पास फर्दर वो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे पास लॉग का इम्पोर्ट ही नहीं है तो ये नहीं कर रहा। हम दोबारा से लिखते हैं लॉग डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वार्निंग, वार्निंग कर दिया, इसमें एक टैग आ जाएगा एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद सेमी कॉलम से ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इसमें क्या दे रहे हैं मल्टीपल मार्कर्स हैं तो इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लॉग की इम्पोर्ट ऑटो पे आ गई है, अगर हम इसको कैंसिल कर दें फर्ज करें तो अभी ये लॉग में ही प्रॉब्लम आ गया है। इसको हम जब इस पे कर्सर लेकर आएंगे तो ये हमें ऑप्शन बता देते हैं कि इम्पोर्ट लॉग, लॉग को इम्पोर्ट कर दिए, यहाँ पे हमारे पास टैग आ गया तो टैग में हम इसको सॉरी टैग आ गया, टैग में हम इसको क्या करते हैं टैग पे ये एक लोकल वेरिएबल इस प्रोसेस के अंदर जो ऑन क्रिएट मेथड है इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम क्रिएट करना चाहें फील्ड क्रिएट करना चाहें तो ये हमारे पास ये फील्ड एक क्रिएट होगी क्लास के अंदर, और इस फील्ड के अंदर हम जो है टैग को इनिशियलाइज कर देते हैं। हेलो सॉरी, अब ये हमारे पास टैग हो गया हेलो। ये मैसेज में हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैसेज में हम इन ऑन क्रिएट मेथड हो गया और ये हमारे कंट्रोल एस हो गया। अब जी हम इस एप्लीकेशन को देखें तो यहाँ पे एक नया फिल्टर क्रिएट हम करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर का कोई भी नेम दे देते हैं फिल्टर हेलो, और इसमें जो टैग नेम है अब ये वाला जो टैग नेम है ये यहीं पे लिखेंगे और ये फर्दर भी डिस्प्ले होगा टैग्स में, ओके करेंगे ये आ गया फिल्टर हेलो। अब हम इस एप्लीकेशन पे जाके करते हैं इसको रन करते हैं एप्लीकेशन में, ये इस डिवाइस के ऊपर हम करना चाहेंगे बिल्कुल, और ओके कर देंगे तो ये आ गया फिल्टर। अब ये देखें ये एक वार्निंग है, ये टाइमिंग हमारी आ गई, पीआईडी आ गई, और इसका हेलो ये टैग आ गया और ये ऑन क्रिएट टेक्स्ट आ गया और ये टैग आ गया, और इस टैग की मदद से ये जो टैग है इसकी मदद से ये हमारे पास ये सॉर्ट आउट हो रहा है। जी आज के लिए तो इतना काफ़ी है कि हमने देख लिया कि लॉकेट, लॉकेट में हम और भी क्या कर सकते हैं, लॉकेट में और हम डाल सकते हैं लॉग डॉट, इसमें हमारे पास एक डीबग के लिए डी हम डाल सकते हैं, ई फॉर एरर के लिए है, आई फॉर इंस्ट्रक्शन के लिए है, वी फॉर पोस्ट के लिए है, फर्दर भी हो सकते हैं। फर्दर अगर ये है कि अगर हमारा ये नहीं करना चाहते इम्पोर्ट, हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका भी है एंड्रॉयड डॉट यूटिल डॉट लॉग, तो ये इम्पोर्ट नहीं है भैया हमारे पास लेकिन अभी भी ये हमारे पास हो रहा है, और इसको अगर हम ख़त्म कर देंगे और इसको अगर हम करेंगे ये कंट्रोल एस करेंगे तो कंट्रोल एस से भी नहीं हुआ इंपोर्ट का। इसका दो प्रोसीजर है, एक तो यहाँ पे हम कर्सर को ले आए क्लिक करें तो ये इंपोर्ट कर लें, या हम इसके सोर्स में चले जाएं और ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स को कर लें तो ऑर्गेनाइज एंड्रॉइड डॉट यूटिल है, बिल्कुल यूटिलिटीज में सही है और ये हमारे पास हो गया, और लॉग में हम फर्दर भी डाल सकते हैं वार्निंग हो गया एरर हो गया वर्सा प्रॉब्लम आ गई है। जी क्या प्रॉब्लम आई है, जावा में आ जाए तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके एंड लेट्स चेक। और इसको जी अभी हम रन करना चाहेंगे, रन कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, रन करना चाहेंगे
ये हमारा प्रॉम्प्ट टॉगल, अभी हम जी इसको इम्यूलेटर के थ्रू करना चाहेंगे और ये वाला इम्यूलेटर हम चलाना चाहेंगे एपीआई लेवल 10 का, तो ये भी है इस पे चला देते हैं। अभी कंसोल में आ जाते हैं, कंसोल में क्या हो रहा है हमारे पास, कंट्रोल में ये वर्चुअल फास्ट मोड में हमारा इम्यूलेटर रन हो रहा है और इसके रनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कंसोल में यहाँ पे अब फर्दर यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है। अभी ये वेटिंग फॉर होम एम्यूलेटर हमारा लॉन्च हो गया, लेकिन इसका होम स्क्रीन देखें अभी डिस्प्ले नहीं हुई, इसलिए ये अभी तक ये हो रहा है। होम स्क्रीन ये एम्यूलेटर थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेता है, होम स्क्रीन हो गया है, इसको हम ये देते हैं ओपन, अपलोडिंग इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग के बाद ये हमारी इंस्टॉल हो गई है और चलेंगे यहाँ पे हमारी हो गई है। फर्दर हम इसको बैक में ले आए तो एप्स में आके हम इसको चेक कर लें, ये हेलो वर्ल्ड और ये हेलो वर्ल्ड इसका जो आइकन था वो भी बना हुआ है और इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। चलें जी आज के लिए काफ़ी है, अपना ख्याल रखिए और आगे हम बढ़ते जाएंगे और इसमें फर्दर हम देखेंगे कि हम उर्दू वगैरह को किस तरह इंक्लूड करके हम अपनी ऐप्स उर्दू में बनाएंगे।